जय श्री राम दोस्तों, क्या आपके पास भी एक बाइक है या एक गाड़ी है और आप उसकी सर्विस कराने जाते हैं या सर्विस के लिए उसको भेजते हैं एंड एवरी टाइम या यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस? तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना चाहिए। देर आर अ फ्यू सिंपल, वेरी सिंपल स्टेप्स यू कैन फॉलो। देखिए क्या होता है कि जब भी आप सर्विस सेंटर में कॉल करेंगे तो मोस्टली कॉल उनको जाती है जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स वगैरह देते हैं, ठीक है। सो दे कैन एक्चुअली मैनेज कि आपकी कब अपॉइंटमेंट, आपको प्रायोरिटी पे अगर करवानी है अपनी बाइक सर्विस या गाड़ी सर्विस की, हाँ मेरे को थोड़े जल्दी है हो सके तो दे कैन डू समथिंग, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो सर्विस एडवाइज़र वगैरह के लेवल की ही होती हैं, मोस्टली इट्स अ फीमेल, क्योंकि वो कस्टमर CRM होती हैं, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, तो वो आपको अच्छे से बात भी करेगी एंड अच्छे से आपकी प्रॉब्लम भी सुनेगी एंड इफ़ आर रियली फेसिंग सम इश्यूज तो वो भी आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी जल्दी से। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी बाइक में अभी भी इशू है या आपकी गाड़ी में अभी भी इशू है, सर्विस सही से नहीं हुई है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप सर्विस सेंटर में जाएं तो वहाँ पे कोई जो कस्टमर लॉन्च होता है जहाँ पे हम बैठते हैं, कस्टमर्स के लिए स्पेस बनाया होता है, वहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर्स और कुछ डिटेल्स दे रखी होती है, कुछ ईमेल आईडीज़ दे रखी होती हैं। फर्स्ट बेसिकली तो आप पहले क्या कर सकते हैं, पहले जो आप ये जो इनके CRM है, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनसे बात करके अपने इशू को सॉल्व कराइए। अगर वो वहाँ से भी आपको लगता है कि नहीं, दे आर नॉट गिविंग यू गुड अटेंशन, तो कोई बात नहीं। उनके बाद एक जनरल मैनेजर होता है जो किसी भी वर्कशॉप में होता है, तो आप डायरेक्टली यू कैन गो टू दैट गाय या दैट गर्ल जो भी है वहाँ पे, जनरल मैनेजर के पास जाके यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम एंड क्योंकि वो अच्छे लेवल पे होते हैं, ही इज़ द यू कैन से ही इज़ काइंड ऑफ ओनर ऑफ दैट सर्विस सेंटर, तो वो आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सुनेंगे और सही करके देंगे। अगर उसके बाद भी आपके सर्विस सेंटर पे भी आपको लग रहा है कि वो भी सही नहीं करके दे रहे हैं, देर इज़ अ बिगर इशू इन योर बाइक और इन योर कार, जो जिस भी कंपनी की आपकी कार या बाइक है उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी एक जो कॉन्टैक्टर्स में एक लिस्ट आती है, तो उनके सपोर्ट को फ़ोन कीजिए। जैसे इनका royalenfield.support है, तो उसमें आप उनको मेल कीजिए, यू कैन शेयर ऑल योर प्रॉब्लम्स, आप उनको रिटर्न में दीजिए कि ये बाइक में या गाड़ी में ये इशू आ रहा है और ये मैं इतनी बार सर्विस के लिए जा चुका हूँ या यहाँ से सर्विस करा रहा हूँ और सर्विस सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रही है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस, तो दे विल रेज अ कंप्लेन और वहाँ से आपको जो वही सर्विस जिस भी सर्विस सेंटर पे आप गए थे वही कांटेक्ट कर लेंगे आपको और आपकी गाड़ी का काम हो जाएगा। सो दीज आर सम बेसिक स्टेप्स यू कैन फॉलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।